बालोतरा पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की इसी कड़ी में बालोतरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सिवाना थाना के प्रभारी की अगुवाई में समधड़ी थाने में दर्ज प्रकरण के वांछित मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियान के तहत थाने का वांछित अपराधी कुंदन सिंह को पुलिस ने दस्तयाब किया है। समधड़ी से सुनील दवे की रिपोर्ट। बालोतरा पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बालोतरा पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया के निर्देशों के बाद विशेष टीमों का गठन कर निरंतर कार्रवाइयां की जा रही हैं। अभियान की इसी कड़ी में बालोतरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सिवाना थाना के प्रभारी की अगुवाई में समधड़ी थाने में दर्ज प्रकरण के वांछित मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समधड़ी थाना अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत थाने का वांछित अपराधी कुंदन सिंह को पुलिस ने दस्तयाब किया है। थानाधिकारी के मुताबिक 6 जुलाई 2023 को एक प्रार्थी द्वारा समधड़ी थाने में अपहरण कर जान से मारने की नीयत से मारपीट और मोबाइल लूटने का प्रकरण दर्ज करवाया गया था, जिसको लेकर टीम का गठन किया गया था। वहीं करीब एक साल से फरार चल रहा आरोपी कुंदन सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। समधड़ी पुलिस ने इस मामले में पूर्व में एक मुलजिम श्रवण सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं उसकी निशानदेही पर घटना के दूसरे आरोपी कुंदन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुलाई 2023 में धर्मवीर सिंह निवासी चिरड़िया ने पुलिस थाना समधड़ी में एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि श्रवण वगैरह ने उसका अपहरण किया था, उसके साथ मारपीट की, जिस पर पुलिस थाना समधड़ी में प्रकरण दर्ज किया गया। उसका अनुसंधान पुलिस थाना सिवाना द्वारा किया जा रहा था। इसमें पूर्व में एक मुलजिम श्रवण को अरेस्ट किया गया था। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में गठित टीम द्वारा डीएसटी के सहयोग से एक और मुलजिम कुंदन सिंह सनौ दुर्ग सिंह राजपूत निवासी खेजड़ियाली को गिरफ्तार किया गया है तथा उससे अनुसंधान किया जा रहा है। समधड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित मुलजिम कुंदन सिंह को दस्तयाब किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में बालोतरा थाने के हेड कांस्टेबल गोमाराम गणेश, डीएसटी से तनाराम और मुकेश का सहयोग रहा।